चैन से सोना है तो जाग जाइए, पर जागने के लिए मोडाफिनिल मत खाइए। मोडाफिनिल के बारे में सवाल आ रहा था, हमने सोचा एक शॉर्ट वीडियो बनाते हैं और आप सभी को दिवाली की धनतेरस की बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। मोडाफिनिल नाम की एक दवा आती है जो कि देते हैं लोगों को जिनको बहुत ज़्यादा नींद आती है, नार्कोलेप्सी या फिर स्लीप एपनिया या स्लीप डिसऑर्डर जिन्हें होता है, ताकि उनको नींद ना आए और वो जागे रहें, ताकि उनको दिक्कत ना हो। तो इसका मिसयूज़ होता है, कई लोग उसे पढ़ाई करने के चक्कर में इस्तेमाल कर लेते हैं कि हमें नींद नहीं आएगी, हम ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, हम ज़्यादा पास हो जाएंगे। पर भाई साहब, ऐसा ना करें। मोडाफिनिल उन लोगों में नहीं दी जाती जिन्हें स्लीप डिसऑर्डर नहीं है। तो कृपया चैन से सुना है तो अपने आप ही जाग जाएं, जागने के लिए इस तरह के काम ना करें, ये हानिकारक हो सकता है। मोडाफिनिल के साइड इफेक्ट होते हैं, काफ़ी खतरनाक साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। मोडाफिनिल में आपको नौशिया, वॉमिटिंग, पेट में गड़बड़, मतलब लिटरली आप जितने भी साइड इफेक्ट कर सकते हो एक स्टिमुलेंट के, बिकॉज ये स्टिमुलेंट है, जैसे कि एक हाई डोज कॉफ़ी के भी साइड इफेक्ट हैं, वैसे ही एक मोडाफिनिल के भी साइड इफेक्ट हैं। हाँ, कॉफ़ी आप ले सकते हो, कभी कभी चाय ले सकते हो, मोडाफिनिल को मिसयूज़ ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करिए, पढ़ाई ज़्यादा देर से ज़्यादा डेप्थ में करिए, राइट। यूज़ मल्टीपल सेंसेस, राइट। आप उसे देख के पढ़िए, मुँह से बोल के पढ़िए, कान से सुन के पढ़िए और किसी को पढ़ा के पढ़िए। मल्टीपल सेंसेस इन्वॉल्व होंगे तो सही तरीके से आपको याद होगा, और एक महीने के अंदर उसको फिर से रिपीट करिए, रिवाइज करिए, ताकि आपके शॉर्ट से लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी घुस जाए। और पढ़ते रहिए, गुड लक और बेस्ट ऑफ लक।